कब तक भाभी जी को याद करता रहेगा? दूसरी शादी कर ले यार। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा बेटा है, उसे सफल बनाना है। बेटा ये परोठा रूखा सूखा लग रहा है, थोड़ा दही ओटो दो। नहीं पिताजी, दही तो बिल्कुल नहीं है घर में। शाम को जल्दी आ जाना। पिताजी चलिए, हमें पंडित जी के पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? आपकी शादी की बात करके आया हूँ, दूसरी शादी की। बेटा मैंने तब शादी नहीं की, अब करके क्या करूँगा? मैं तुझे सारा प्यार तो देता हूँ, फिर क्या जरूरत है? नहीं पिताजी, ये मैं आपकी दूसरी पत्नी या अपनी दूसरी माँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अपने हिस्से की कटोरी दही रोज बरोबर मिलती रहे। और कल से मैं और मेरी पत्नी किराए के घर में रहने जा रहे हैं, और कल से मैं आप ही के ऑफिस में काम करूंगा, लेकिन एक कर्मचारी के तौर पर पगार मिलेगी मुझे, ताकि मेरी पत्नी को भी मालूम पड़े कि कटोरी दही की कीमत क्या होती है। दोस्तों ये कहानी का ये अर्थ है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए डेबिट कार्ड बनने को तैयार है, लेकिन बच्चों को कब अकल आएगी कि माता पिता के लिए आधार कार्ड तो बने। वो कहते हैं ना, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर लोग अपने माता पिता को कैसे भुला देते हैं। दोस्तों ये कहानी हमारी नहीं है, हमने भी कहीं से सुनी है, हमने तो बस एक छोटी सी कोशिश की है नाट्य रूपांतर करके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल बजाना ना भूले। पिताजी स्टार्ट। और कल से मैं और मेरी पत्नी ताकि मेरी पत्नी को भी मालूम पड़े कि एक डंकी कटोरी